नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज में। देव जी, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। नशा मुक्त भारत के बैनर तले पूरे जिले में, जिले के आसपास के भी जिलों में लगातार बच्चों के शैक्षणिक व योग्यता व बौद्धिक योग्यता के लिए उन्हें नशे से दूर रहने की एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी बैनर के तले शतरंज प्रतियोगिता प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। प्रतियोगिता के प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार जवाहर ने सहरसा के सोनवर्षा क्षेत्र के डिवियन स्कूल में बच्चों को एक खास कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें खास जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे से दूर रहें और अपने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग खेलों में रुचि दिखाएं। खासकर शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और तार्किक विकास की क्षमता भी पदोन्नति करती है। समाज के लिए लोगों को या प्रेरणा देने का काम करेगी, मशवरा देने का काम करेगी, उनसे अनुरोध करेगी नशा मुक्त भारत कि आप नशा से दूर रहे। और एक आश्वासन है, नशा का जो हुआ सिका गुजरा उसका घर परिवार, और दूसरे राज्य को प्राप्त करता है, दूसरे राज्य को जीत लेता है। यही कहानी इसमें है और यही खेल बन गया। शतरंज का जो जन्मदाता है वह भारत ही है। पूर्व में इस शतरंज का नाम चतुरंग था, बाद में कुछ लोग इसको विषाद के नाम से जानने लगे और धीरे धीरे इसका नाम शतरंज पड़ गया। पूर्व में भारत में यह खेल खेला जाता था, बड़ी लंबी अवधि तक भारत में यह खेल चलता रहा। नेशनल खेल यानी राष्ट्रीय पद्धति से यह खेल होता, बाद में जा करके दूसरे देशों ने इसे अपनाया और इसका अंग्रेजी नाम चेस रखा गया। चेस जो है पूरे वर्ल्ड में विस्तारित हो गया और इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम चेस, जिसको हम लोग शतरंज के नाम से जानते हैं, पड़ गया। ये आने के बाद इस गेम में ध्यान देने के बाद सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक आपने क्षमता की वृद्धि होगी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप में सोचने की शक्ति तीव्र होती जाएगी। दुनिया के तमाम बातों के बारे में आप सोचने लगेंगे, क्या कैसे होता है, हमेशा सोचते रहेंगे। प्रश्न आपके सामने आ करके खड़े हो जाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर आप हमेशा चाहेंगे कि हमें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। यही है यह खेल। यह खेल क्वेश्चन करना सिखाता है, क्वेश्चन ढूंढना सिखाता है और क्वेश्चन का जो आंसर है वह ढूंढने के लिए सिखाता है यह गेम। इसीलिए और जो बहुत सारा गेम है, अलग अलग चॉइस है, रुचि है लोगों का, क्रिकेट है, उसी तरह से यह खेल है जो आप कहीं भी रख करके खेल सकते हैं। इसमें कोई बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती है, किसी भी जाल की जरूरत नहीं होती है। नेट जैसे बैडमिंटन में नेट का प्रयोग होता है, वॉलीबॉल में नेट का प्रयोग होता है, कहीं भी इस बोर्ड को रख करके हम लोग खेल खेलते। बस खेलने के लिए इसमें दो खिलाड़ी चाहिए, कम से कम दो खिलाड़ी, चार खिलाड़ी भी मिलकर के खेल सकते हैं, आठ खिलाड़ी भी मिलकर खेल सकते हैं, दस खिलाड़ी भी मिलकर के इस गेम को खेल सकते हैं।